सारे मान चुके हैं कि आज के बाद हम सियासत नहीं करेंगे, तो उसी वक्त सारे कठपुतलियां परेशान हुए, उस साजिश का सियासत शुरू, मन तोड़ने का सियासत शुरू। ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं दे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं दे। लिख कर रख लें, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की बड़ी पेशगोई, यौम तासीस पर जलसे से धुआंधार खिताब, बोले ये हमारे इस्तीफे लेने आए थे, अपने इस्तीफों का ऐलान कर गए, इदारे अपनी गलतियां मान चुके, अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, कठपुतली अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है, चोरियाँ बचाने के लिए इंतशार फैला रहा है। तख्ते लाहौर गिराने और बचाने की जंग 48 घंटे अहम, तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। मुस्लिम लीग नून का दो ऑप्शंस पर गौर, होमवर्क मुकम्मल, एमपीएस को लाहौर से बाहर ना जाने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी से राना सनाउल्ला, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफी की तवील मुलाकात। पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज समेत मुमकिन ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। अदम एतमाद समेत नून लीग के हर वार के लिए तैयार हैं, फवाद चौधरी का ट्वीट, दावा किया 20 मार्च से पहले पंजाब में नए इंतखाबात हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के 20 से 25 अरकान टिकट के लिए हमारे साथ रबते में हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के लिए वजीर आला हाउस में बैठक, इमरान खान का हर फैसला कबूल होगा, इजलास में इतफाक। नई अस्करी क़यादत की सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें, कौमी सलामती पर बातचीत। आरिफ अलवी और शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है, आपकी क़यादत में फ़ौज सिक्योरिटी चैलेंजेस का मज़ीद बेहतर तरीके से मुकाबला करेगी। इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को मुबारकबाद, ट्विटर पर कायद आज़म का फरमान शेयर किया, साथ ही लिखा, उम्मीद है कि नई अस्करी क़यादत गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकदान का खात्मा करने की कोशिश करेगी, रियासत अपनी क़ुव्वत अवाम से ही हासिल करती है। चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करते हुए कायद आजम का फरमान याद नहीं आया, मरियम नवाज का इमरान खान को सख्त जवाब, ट्वीट में लिखा, आपने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, आपकी सियासत आपके हाथ आंखों और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई। मरियम औरंगजेब का भी सख्त रद्द अमल, कहा, इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए कायद आजम का फरमान इस्तेमाल ना करें, हुकूमत हर सियासी मुहिमजोई का डट कर मुकाबला करेगी। जिन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी होती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद तो नहीं करते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करती है। यहाँ आए थे वफाकी हुकूमत गिराने, ऐलान करके चले गए क्योंकि केओस चाहते हैं, क्योंकि दिमागी खलल सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। आपने जो करना है करें, हम हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं और डट के मुकाबला करें। जब हम पहुंचे हैं तो जो है ना पुलिस एहलकार जख्मी पड़े हुए थे, जिन्हें हमने फौरी तौर पर हम लोगों ने उन्हें रेस्क्यू करके सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। हमें पता चला है कि वहां पर कोई आल्टो थी जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, उसमें एक लेडीज थी। कोयटा में फिर दहशतगर्दी, पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाले अहलकारों पर खुदकुश हमला, मां दो बच्चे और पुलिस अहलकार शहीद, 26 अफराद जख्मी, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके में 20 से 25 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया, एक पुलिस ट्रक और दो गाड़ियां तबाह हुई। सदर और वजीर आजम की शदीद मजम्मत, धमाके में बीवी और दो बच्चों को खोने वाला शहरी गम से निढाल, हुकूमत से दहशतगर्दी खत्म करने की अपील। मेरी वाइफ जो थी वो भी जो ना गाड़ी में जलकर मर गई, वो
और एक बेटा था मेरा वो मर गया। तलबा है कि जो ना वो ये दहशतगर्दी वगैरह जो ना ये ख़त्म कर दे बराए मेहरबानी। अफगानिस्तान के शहर एबक के मदरसे में नमाज जहर के दौरान धमाका, 15 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। कप्तान बेन स्टोक समेत आधी इंग्लिश टीम बीमार, पहले टेस्ट मैच पर गैर यकीनी के साए, पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हुकाम का इजलास, मैच शुरू होगा या नहीं हतमी फैसला कल सुबह 7 बजे किया जाएगा। इजलास में खिलाड़ियों की तिब्बी रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया, टेस्ट ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई मुलतवी। जो रूट कहते हैं उन्हें नहीं लगता कि मसला खाने की वजह से हुआ, शेफ तो खुद बीमार है। इंग्लिश बोर्ड ने बताया खिलाड़ियों को वायरल इन्फेक्शन है। फेडरल शरीयत कोर्ट का जो अप्रैल 2022 में जो ऑर्डर आया है ये तो आने से पहले ही हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए था, हम चल रहे थे, लेकिन जो उसने जो उसके नुकसान उठाए वो हम सबके सामने है। आज हर बंदा बिलक रहा है, महंगाई आसमानों पे है। मईशत को सूद से पाक ना करके नुकसान उठाया, वजीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर मिसाके मईशत की तजवीज़ दे दी। हुरमते सूद सेमिनार से खिताब में बोले 2018 के बाद मुल्क के साथ अच्छे तजर्बात के नतायज नहीं निकले। वजीर खजाना सूद के खात्मे के लिए अमली कदम उठाएं, मुफ्ती तकी उस्मानी का सेमिनार से खिताब। निजी बैंकों और मालियाती इदारों से शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें वापस लेने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारे तमाम बजट सूद पर मबनी होते हैं, अब सूद के खिलाफ कौमी और इज्तमाई तौर पर मेहनत करना होगी। कराची मलीर में बीवी और 3 बेटियों को कैसे कत्ल किया, सफाक मुलजिम ने खुद बता दिया। 2 बेटियों को सोते, 3री की जागते में जान ली। बीवी ने मजाहमत की कोशिश की मगर उसका भी गला काट दिया। मुलजिम फवाद के मुताबिक वो मकरूज था, रकम की वापसी के लिए धमकियां दी जा रही थी। पुलिस का मुलजिम के इन्वेस्टर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। चीन में एक बार फिर कोरोना का जोर, 24 घंटों में 71,000 केसेस रिपोर्ट, एहतजाज भी जारी, कई शहरों में मुजाहरे। ग्वांगजू में पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें, सिक्योरिटी हुकाम का मुजाहरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कई इलाकों में मार्केट्स बंद करवा दी गईं। लबनान में शदीद बारिशों ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया, नशेबी इलाके डूब गए, मुजोर सैलाबी रैला कई गाड़ियां बहा ले गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनी खेज मुकाबले जारी, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क आमने सामने, ट्यूनिस और दिफाई चैंपियन फ्रांस का टाकरा, लाइनल मेसी की अर्जेंटाइन पोलैंड से टकराएगी। मैच में लाजमी फतह दरकार, सऊदी अरब का मैक्सिको से मुकाबला होगा, जो टीम जीतेगी अगले राउंड में जाएगी।